ये क्वेश्चन नंबर 44 का वीडियो बना के भेज रही हूँ मैं। इसके पहले मैंने 43 अभी नहीं करा है, क्योंकि ये फंड बेस अकाउंटिंग पर है, वो अपन पूरा एक साथ लेंगे। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जितनी फंड बेस अकाउंटिंग काम की आएगी वो मैं हाथों हाथ सिखाते जाऊंगी। जब क्वेश्चन नंबर 44 को देखो, उसमें लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ जयपुर स्पोर्ट्स क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, वही प्रोसेस, रिसिप्ट जितनी भी है उनको हम क्रेडिट में इनकम साइड लिखेंगे, आप लोगों को पता ही है। पेमेंट्स जितने भी हैं उन्हें डेबिट में एक्सपेंडिचर साइड लिखेंगे। बस क्या ध्यान रखना है कि टू बैलेंस बीडी नहीं आएगा, ठीक है। आप ध्यान से देखना, मैं एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर रही हूँ। यहाँ पर एंट्रेंस फीस जो है वो दो ईयर की दे रखी है, 18-19 और 19-20। चूँकि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पर बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ये एक्रुअल बेसिस होता है, इसलिए 18-19 की हमें इग्नोर करनी है और 19-20 की लिखनी है। ये क्वेश्चन यही ख़त्म हो गया, इसमें कोई अलग से एडजस्टमेंट नहीं है, सारे एडजस्टमेंट इसके अंदर ही है, हमें अंडरस्टूड है, सारे एडजस्टमेंट हमें इसी में समझने हैं कि 18-19 का हमें नहीं लिखना है, 19-20 का लिखना है, एक्स्ट्रा कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। फिर ये जो सब्सक्रिप्शन दिया है, इस क्वेश्चन में सबसे मेन सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन आपको तीन दिख रहे हैं, एक 18-19 का, एक 19-20 का और एक 20-21 का। अब यहाँ पर देखो आपको जो तीन सब्सक्रिप्शन दिख रहे हैं इनकी अमाउंट भी देख लो। 18-19 का आपको 10,000, 19-20 का 90% 90,000 और 20-21 का 5,000। अब यहाँ ध्यान से सुनना मेरी बात, कि चूँकि ये एक्रुअल बेसिस सिस्टम है तो हम 18-19 का नहीं लिखेंगे, 20-21 का भी नहीं लिखेंगे, ठीक है, 18-90 का भी नहीं लिखेंगे, 20-21 का भी नहीं लिखेंगे, बस कौन सा लिखेंगे, 19-20 का। अब यहाँ 19-20 का जो सब्सक्रिप्शन है उसमें आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि ये 90,000 रिसीव हुआ है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा है, इट मीन्स इस अकाउंटिंग पीरियड में जो रिसीव हुआ है, तो इस 90% रिसीव हुआ है, इट मीन्स हमें अभी 10% आउटस्टैंडिंग है। हम जो भी 100% में से करते हैं तो यदि 90% रिसीव्ड है तो 10% आउटस्टैंडिंग है। उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं बता दूंगी, है ना। चाहो तो मैं यही बता देती हूँ तुम लोगों को कि मान लो 100% सब्सक्रिप्शन एक्स है, तो एक्स का 90% इज इक्वल्स टू 90,000। अब जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तुम्हारी एक्स की वैल्यू आएगी 1 लाख, करके देखना, नहीं तो मैं आगे अच्छे से सॉल्व करूँगी, और 1 लाख में से 90,000 रिसीव है, इट मीन्स 10,000 आउटस्टैंडिंग है, 10,000 आउटस्टैंडिंग है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन के बाद लिखी है लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस पर मैं क्रॉस लगा रही हूँ, क्योंकि यदि क्वेश्चन में कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं हो तो लाइफ मेंबरशिप फीस को कैपिटल नेचर का मानते हैं, इसको रेवेन्यू नेचर का नहीं मानते। उसके बाद डोनेशन हम लिखेंगे, उसके बाद डोनेशन फॉर टूर्नामेंट नहीं लिखेंगे। उसके पीछे क्या रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर डोनेशन फॉर टूर्नामेंट वर्ड आया है, इट मीन्स ये जो डोनेशन है स्पेसिफिक डोनेशन है, तो स्पेसिफिक डोनेशन हम यहाँ नहीं लिखते हैं। यहाँ पे जनरल डोनेशन आता है, टूर्नामेंट का डोनेशन है, इसलिए ये स्पेसिफिक डोनेशन हो गया, और स्पेसिफिक डोनेशन हम यहाँ पर नहीं लिखते हैं। इसके बाद हम आगे चलें तो आपको दिखेगा सब्सक्रिप्शन फॉर
सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नमेंट पार्टी, दिख रहा है आपको? क्वेश्चन में जब कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन